अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी पकोड़ा कढ़ी किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप सारी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी 2 जग्स ऑफ वाटर, 300 ग्राम ग्राम फ्लोर, 600 ग्राम योगर्ट, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑनियन चॉप्ड, 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड, 3 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट, 2 लेमन जूस। सबसे पहले योगर्ट को हम ये वाली मशीन को यूज़ करके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब ये फेंटी हुई योगर्ट को मैंने एक जग पानी में डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर लूँगी। अब बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। बेसन को अच्छे से घोल लेने के बाद अब हम योगर्ट के पानी में इसको डाल देंगे। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब बाकी का भी पानी इसमें डालकर मिक्स कर लूँगी। ऑयल को गर्म करके इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूँगी और इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करूँगी। अभी 3/4 कप वाटर में मैं ये रेड चिल्ली डाल दूंगी। टर्मरिक पाउडर डाल दूंगी, सॉल्ट डाल दूंगी, गार्लिक डाल दूंगी और इसे मिक्स करके रख लूंगी। प्याज जो है वो हमारी नरम हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ये मसाला डाल दूंगी और इसे भूनूंगी। अब मसाला जो है हमने अच्छी तरह से भून लिया है ताकि टर्मरिक की स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। अब इसके अंदर जो मैंने बेसन का और दही का ये महलूल बनाया था इसको मैं डाल दूंगी। को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको उस वक्त तक कुक करूंगी जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। देखिए अब इसके अंदर उबाला आ चुका है। अब मैं आंच को कम करके इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। पकौड़े बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होगी वो आप नोट कर लीजिए। वाटर एज रिक्वायर्ड, 4 लार्ज साइज अनियंस, 3 कप्स ग्राम फ्लोर, 1.5 कप स्पिन स्ट्राइप्स, 7 ग्रीन चिली स्लाइस्ड, 1.5 टेबल स्पून वॉश्ड ड्राई फेनुग्रीक, 3 टेबलस्पून होल कोरिएंडर, 2 टेबलस्पून क्रश्ड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कैरम सीड्स, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बेसन में तमाम ड्राई मसाले जो थे वो मैंने डाल दिए। फेनुग्रीक लीव्स, ग्रीन चिलीज, अब इनको मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये अनियन डाल दूंगी। स्पिनिच डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर लूंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे पेस्ट होने तक बनाएंगे। सारे अमेजे को मिक्स करने के बाद अब 10 मिनट तक मैं इसको ढककर रख दूंगी। आफ्टर 10 मिनट्स ऑयल को हम अब गर्म कर लेंगे और उसके अंदर ये छोटे छोटे पकोड़े डालकर तल लेंगे। जब एक तरफ से ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेंगे। देखिए सारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम डायरेक्ट निकाल कर पानी में डाल देंगे।
बाकी सारे पकौड़ों को भी अच्छे से हम निचोड़ निचोड़ कर निकाल लेंगे और इन्हें पानी में डाल लेंगे। इनको एक मिनट तक हम भिगो कर रखेंगे और 1 मिनट हम इन सबको फिर निकाल लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह बनाकर प्लेट में रख लेंगे। देखिए अब कढ़ी जो है वो अच्छे से पककर तैयार हो गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है। इस स्टेज पर अब मैं इसके अंदर जो लेमन जूस है वो डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। ये पकोड़े जो हमने पानी में से निकाल के रखे थे इसके अंदर डालते जाएंगे। और मिक्स करते जाएंगे। देखिए अब सारी पकौड़ियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसके ऊपर मैं तड़का लगाऊंगी। 1 कप ऑयल को हम गरम करेंगे और उसके अंदर 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए अब ये लाइट ब्राउन हो गया। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। अब ये देखिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। देखिए नाज़रीन गरम गरम पकौड़ा कढ़ी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। आप इसको इसी तरह बनाकर पेश कीजिएगा। ये खाने में बेहद लजीज होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।